नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे एस्ट्रोलॉजी में, बल्कि कुछ लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते होंगे। हमारा जो हिंदू धर्म है वो ज्ञान का भंडार है। अष्टांग योग हो, ज्योतिष विद्या हो या वास्तुशास्त्र, हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बड़ी विद्याएँ उपलब्ध हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते उन्हें डॉक्टर ही ऐसे मिले जिन्हें सिर्फ इतना पता है कि पैरासिटामोल से बुखार ठीक होता है। एस्ट्रोलॉजी कोई मनगढ़ंत भविष्यवाणी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी स्टडी है जिसमें साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है और ज्योग्राफी भी है। साइंस ने तो बहुत बाद में बताया हमें प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी में तो हजारों सालों से ये सब लिखा हुआ है। जिस ऑर्बिट पर सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में उसे 12 राशियों का एक सर्कल बताया गया है, जिसमें हर 30-30 डिग्रीज के बाद में राशियां चेंज हो जाती हैं। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। एक इंसान के जन्म के टाइम जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन होती है वो उस इंसान के बारे में बहुत कुछ रिवील करती है। जिन लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन ली है उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस फील किए हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी मुझे बताए हैं। कुछ लोगों की तो जो बचपन की पुरानी कुंडलियाँ बनी हुई हैं वो भी कितनी बार गलत निकल जाती हैं। धर्म चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।